प्रणाम बंधुओं, लगता है भारतीय जनता पार्टी के विकास की असलियत लोग समझने लगे हैं और मोदी व उनकी बीजेपी समझने लगी है कि मतदाता विकास की हकीकत समझने लगे। मोदी सरकार के 10 सालों में एक भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आया, ना कोई नया एम्स बनकर पूरी तरह से काम करने लायक हुआ है। स्टार्टअप की संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन उनमें निवेश घट गया है, लोग पैसा नहीं लगा रहे, इनोवेशन की कमी है। अब ऐसे में बीजेपी को 400 पार की संख्या दूर की कौड़ी नजर आ रही है। जब 400 की संख्या नहीं मिलेगी तो जाहिर है सरकार बनाने में उनकी डिपेंडेंसी अपने सहयोगी दलों बढ़ेगी और वो हनक से सरकार नहीं चला पाएंगे जो अभी तक पूर्ण बहुमत लेके 7वीं लोकसभा में उन्होंने चलाई। वैसी ताकतवर सरकार बनने की उम्मीद उनकी धूमिल पड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में एक रास्ता बचता है, धर्म और संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति, यही एकमात्र विकल्प है बीजेपी का और इसमें वो पारंगत भी है। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति के आरोप से तिलमिला भी जाती है, लेकिन 1926 अप्रैल यानी पहला और दूसरे चरण के मतदान में जो वोट पोलिंग परसेंटेज गिरा है वो बीजेपी के लिए उसके माथे पे शिकन पड़ गए। आज ही चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के मतदान का फाइनल फिगर अपने दी है और दोनों ही चरणों में 2019 की तुलना में करीब 3% वोटिंग या पोलिंग कम हुई है। कम नहीं होता 3%, 3% 1% से कैंडिडेट हार जीत तय हो जाती है, 3% बहुत होता है। खैर, अब ऐसे में बीजेपी के नेता पहले से दे रहे थे इस तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजनकारी बयान को, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस दलदल में कूद कर कमल को खिलाने की कोशिश में जुट गए हैं, उनका यह प्रयास जारी है। अमित शाह कहते हैं कि हार की हताशा में कांग्रेस फेक वीडियो जारी कर रही है। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी अभी भी बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ही डटे हुए हैं, वो उससे डिबेट नहीं हो रहे हैं। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता को चाहिए गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो, लोगों को रोजगार मिले वगैरह वगैरह। या तो भाजपा ही है, जब राम मंदिर और 400 पार का नारा कारगर होता नहीं दिख रहा तो पार्टी को ध्रुवीकरण के चुनावी फार्मूले पर आना पड़ा। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा की सभा याद करिए, मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी। इसका क्या अर्थ निकाला जाए, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी? क्या इनका यह मुसलमानों को लक्ष्य करके नहीं दिया गया था? प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के भतीजी मारिया आलम खां के वोट जिहाद के बयान पर चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर FIR करवा दी। बाद में सलमान खुर्शीद ने थोड़ा उसको स्पष्ट किया कि जिहाद का अर्थ जैसे सामान्य तौर पर लोग लेते हैं वैसे ना लिया जाए, बल्कि जिहाद किसी विशेष परिस्थितियों में संघर्ष के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयोग के दोहरे मानदंडों से क्या उसकी निष्पक्षता कलंकित नहीं होती, क्या उस पर सवाल खड़ा नहीं होता? इन्हीं सब विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हैं अविनाश अवस्थी जी, उनसे जानेंगे कि क्या भाजपा 400 का नारा NDA के लिए और 370 सीटें भाजपा अपने लिए तय किया था, क्या भाजपा घबरा रही है, उसको लग नहीं रहा कि हम ये संख्या पार भी कर पाएंगे और इसीलिए वो विकास की जिसको बात करती थी, सबका साथ सबका विकास, मैंने ये कर दिया, इतनी सड़कें बनवा दी, इतने हॉस्पिटल बन गया, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह, तो वो सब क्या हवा हवाई थे या जनता को उन पर असर नहीं पड़ा और भाजपा को मजबूरी में सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण की राजनीति पे आना पड़ रहा है? आशुतोष जी,
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बातें मैं अभी आज ये एक करने वाला था एक एपिसोड इस पर कि ये जो 400 पार की बातें अभी हो रही हैं, ठीक है मोदी मीडिया कर रहा है, लेकिन जो यूट्यूब मंच हैं अगर उनमें भी बार बार 400 पार की बातें उठ रही हैं तो ये बड़ी हैरतजनक बात है। मतलब जनता के लिए भी, जनता भी नहीं सुनना चाहती है कि 400 पार की ये बात कर रहे थे, ये सेंटेंस भी अब सुनना पसंद नहीं करती है कि ये मतलब 400 पार की बात इन्होंने कही है तो पब्लिसिटी को हम दोहराने की कोशिश करते कि 400 पार अभी भी जीवित है, 400 पार अभी भी संभावना है क्या? तो 400 पार मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं उठा रही है तो मुझे लग रहा है कि मीडिया में हम जैसे यूट्यूब के लोग जो हैं वो भी अगर 400 पार जल्दी ये नाम लेना बंद कर देंगे तो इस देश की जनता पर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि उसको नफरत होती है 400 पार की बात के ऊपर। बात नंबर नहीं दो, अविनाश जी, अब 400 की बात पार्टी नहीं कर रही है, ये मैं आपको पहले चरण से पहले की बात कर रहा हूं। 400 की बात वो कर रहे थे, लेकिन जो पहले और दूसरे चरण के मतदान में उन्होंने मत प्रतिशत गिरता हुआ दिखा, पोलिंग परसेंटेज, अब वो 400 की बात कर ही नहीं रहे हैं। पिछले कई दिनों से 400 के पार का नहीं नारा नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी नेता में दिया? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब उन्होंने लेनी बंद कर दी 400 पार की बात, तो क्या होता है ना, किसी भी चीज को दोहराने का मतलब होता है कि हम उनकी प्रशंसा कर, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 400 पार पे बात भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ले लिया है कि 100 पास अब भी भाजपा पीछे और 150 के नीचे चल ये रहा है पूरे देश में, 150 के नीचे, तो हम क्यों बात करें 400 पार की। खैर, हम आते हैं उनके दूसरे हिस्से पर, उनका दूसरा हिस्सा कि उन्होंने अब सांप्रदायिक बातें करनी शुरू की है, ये बात भी एकदम गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भाषण हो और उसमें सांप्रदायिकता ना हो, राजे इनके नरेंद्र मोदी के तो जीवन शैली में सांप्रदायिकता, वो जहां भी रहते हैं सांप्रदायिकता तो छोड़िए, उनका व्यक्तित्व ही विभाजन पर आधारित, उनको कोई दो भाई बहन सामने दिख जाए तो उनका व्यक्तित्व तो हिल जाता है कि ये भाई बहन प्यार से क्यों रह रहे हैं, उनको कोई सास बहू अगर सामने दिख जाए तो उन्हें, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं आपको, कि उनको परिवार में कोई भी प्यार से दिख जाए तो उनके व्यक्तित्व में आग लग जाती है। दुनिया का पहला ऐसा भैरूपिया प्रधानमंत्री है कि जो जिसने देश में नफरत तो फैलाने की कोशिश की, देश में प्रेम का को विलुप्त तो करने की भी कोशिश। खैर, उन्होंने परिवारों के साथ क्या किया क्या नहीं किया, अभी 2014 में शुरू किए थे कब्रिस्तान में अगर आप बिजली देते हैं तो शमशान में भी देना चाहिए, तो 2014 की बात है ना, और उसके बाद से लेकर अब तक इनका सारा जो भी वक्तव्य है सब उसी पर आधारित होते हैं। ये हिल क्यों गए हैं? खाली मतदान से ही नहीं हिल गए, मतदान का प्रतिशत तो मान लो कम है, 5 चरण बाकी हैं आशुतोष जी, तो 5 चरण में ये कुछ सोचते कुछ करने की सोचते, ये एक्चुअल हिल इसलिए गए हैं कि जो इलेक्टोरल बांड का जो अचानक से कोर्ट दो दो अदालतों के दो आदेश, एक एक भारत की अदालत का आदेश और दूसरी लंदन की अदालत का आदेश, ये दो आदेश ने इनको पूरा का पूरा इस लेवल, भारत की कोर्ट ने तो बोल दिया आपको बताओ, अब जब उनकी पोल खुल गई कि गौ मांस वालों से आपने चंदा लिया, जब खुल गई पाकिस्तान और चीन से जुड़ी कंपनियों का आपने से आपने चुनावी चंदा लिया, तो इसमें बहुत सारी परिस्थितियां इनकी, आप 21 अप्रैल की बता रहे हैं, उन्होंने जो बात उसके पहले से ही उनका सांप्रदायिकता का मतलब मुद्दा शुरू हो गया था, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ उन्होंने सांप्रदायिकता की बातें करने शुरू की, यहाँ पर आए महाराष्ट्र में भी आए वहां पर भी सांप्रदायिकता की बातें की, तो उनको ये बड़ी अच्छी तरीके से पता चल गया है कि अभी हम 200 के बहुत नीचे चले गए हैं और देश की जनता अब तो पहला ये जो भारत की अदालत का आदेश था इलेक्टोरल बांड एक्सपोज करो चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने बताया तो उससे वो हिल गए, तो अब उनके पास कोई और बात करने को नहीं है।
दूसरा अभी दो दिन पहले दो दो तीन दिन पहले लंदन में जो एस्ट्राजेनिक कंपनी है उसने तो बड़ी गजब की बात कर दी, उसमें तो मोदी जी 150 के भी नीचे बहुत जाने वाले हैं। जब हमारे आपके घर के बुजुर्ग आशुतोष जी, ये बड़ी गंभीर बात है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हमें लगता था, मैं तो डायबिटिक हूँ कि और मेरा तो एक बिल आता है पूरे हर महीने का, हम मतलब दवाइयों का, उसमें 7% की पिछले 8-10 दिन के बाद से उछाला आ गया। तो बाद में हमने देखा करीब 7-8 दवा कंपनियों ने करोड़ों रुपया दिया। तो इनको, इनके पास यहां से इनकी हालत खराब हुई है कि जनता से जुड़ी जो बातें हैं, आपको क्या लगता है कि 2014 में सामुदायिक मतों से चुनाव जीते, सामुदायिकता की वजह से चुनाव जीते 2014 में? तो कांग्रेस, आपको मैं कांग्रेस का ऊपर इतने आरोप थे 2G 3G फला फला विनोद राय ऐसे लोगों ने, और इस वजह से 2014 हार गए, एंटी कांग्रेस वातावरण था। 2019 में मैं आपको अभी डाटा देना चाहता हूँ कि 2019 में पुलवामा के पहले इंडिया टुडे का सर्वे था, उसमें यह बुरी तरीके से एनडीए हार रहा था, भाजपा हार रही थी, और पुलवामा के बाद जो है इनको 300 के लगभग सीटों का सर्वे आया था। मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो 2019 में भी ये सांप्रदायिकता के वातावरण से नहीं जीते, सांप्रदायिकता के बातों से नहीं जीते, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा पुलवामा और बालाकोट की बातों की वजह से ये चुनाव जीते। अब 2024 में इनके पास कोई अब सबका साथ सबका विकास, बड़ा झूठी बात नहीं लगती नरेंद्र मोदी के मुंह से विकास की बातें सुनना? हाँ, विकास की बातें सुनकर अविनाश जी, अगर 2019 में आप बता रहे हैं कि पुलवामा वगैरह ये सब इशूज थे, तो 2024 के इनके पास इशू क्या है अब? क्योंकि जो ये विकास की बात, क्या इशू है इनके सामने? 2014 में आप देख जी, मैंने तो ये बात कि जो राजस्थान में इनका बयान कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। एक प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति, बल्कि प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की बात करे, ये थोड़ा सा चौंका रहा था, इसलिए मैंने उठाया। अब देखिए, नहीं ठीक है, हम लोग उठाना चाहिए बातें, उठानी चाहिए। ये अन्ना जी समझिए इस बात को, इनको ये चीज जो है गोदी मीडिया ने बेशक नहीं उठाई कि राजस्थान में उन्होंने क्या बोला और उसका जो है मंशा क्या थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको चलाया, उसका मैसेज बहुत जो है लाउड एंड क्लियर था कि ये एक संप्रदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। और जब ये ज्यादा बात बढ़ गई, मोदी जी को भी लगने लगा, भाजपा को भी लगने लगा कि कहीं ये जो है पोलराइजेशन का अभी चार जो है एकदम से सामने हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैंने जो है किसी पोलराइजेशन के कारण, मुझे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि पोलराइजेशन जाए वोटों का, मैं तो जो कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात की थी उसको एक्सपोज करना चाहता था। उनको क्लियरिटी भी देनी पड़ी, स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो देखिए, मैं हूँ कानकुज ब्राह्मण, मैं थोड़ा बता दूं, मैं हूँ कानकुज ब्राह्मण और 6 भाई बहन है मेरे, और एक बहुत छोटी थी मेरे बहन हुई थी, मुझे याद है मैं कोई 7वें 8वें में पढ़ता था, तो उसकी डेथ हो गई थी लीवर की वजह। तो 7 बच्चे तो मेरे पिताजी के हुए, और वो कानकुज ब्राह्मण है, वो मुसलमान नहीं है। ये जो खड़गे जी हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला हम भी 6-7 भाई बहन हैं इस देश में, हमारे आपके जो बाबा हैं और हमारे आपके जो पिताजी हैं उनमें आप आमतौर पर देखिए तो 6-7 भाई बहन होते ही। तो ये सांप्रदायिक, ये भूल क्या कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहे। दलितों के यहाँ बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जब इनको ध्यान दिलाया गया कि दलितों के यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा होती, 6-7-8 होती है, खड़गे जी ने खुद बोला 6-7 हमारे यहाँ बच्चे हैं, तो वो फौरन अब अपना धीरे धीरे वक्तव्य वापस होने लगे। बात नंबर 2, हम आपको खुद नहीं लगता जैसे नर्सरी और केजी में पढ़ते हो हमारे प्रधानमंत्री जी कि आपकी संपत्ति को ले जाकर और बांट देंगे? अरे भैया, किसकी संपत्ति को बांट देंगे यार? 80 करोड़ को तो आप फ्री में अनाज देना पड़ रहा है, उनके पास कोई संपत्ति है जिसको आप बांट सकते हैं? अगर उनके पास संपत्ति होती तो आपका वो गंदा कचरा जो आपका अनाज है जिसको आप बड़ी बेइज्जती के साथ 80 करोड़ लोगों को देते हैं,
बड़ा अपमान दिला के देते हैं कि 80 करोड़ को दिया जा रहा है उनका। मैं मेरी बात होती है जिन घरों में जा रहा है, तो उन घरों के कई बच्चों से हमारी बात हुई है, वो साफ बोलते हैं सर हमारे पास नौकरी नहीं है, मेरे घर से। देखिए मैं बहुत भावुक बात कर, मैं वहां से चला आया, मैं गया था महाराष्ट्र के एक गाँव में, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कौन कहाँ 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है, मैं मुझे 2-3 घरों में जाने का आशुतोष जी ये हमें जरूर बात करनी चाहिए। तो उसमें से एक लड़के ने बोला, मराठी भाषा में ही बोला था, कि सर हमें बड़ा बुरा लगता है जब हमारे पिताजी झोला उठाकर राशन की दुकान से वो फ्री का अनाज लेने जाते हैं और मैं बीकॉम फाइनल में पढ़ता हूँ, अगर मेरे पास नौकरी होती तो मैं अपने पिता को ये फ्री का अनाज लेने के नहीं भेजता, क्योंकि जब हमारे पिताजी वहां लाइन में लगते हैं तो पूरे गांव के आगे हमारी नाक कटती कि फ्री का अनाज ले रहे हैं, इनके पास इनकी हैसियत नहीं है भोजन के लिए। क्या जब उन्हें फ्री में अनाज नहीं मिलता था तब वो सब जीवित नहीं थे? सब जीवित थे। इन्होंने कुछ अपनी अक्षमताओं की वजह से उनको फ्री अनाज देना। मैं फिर बात पे आ रहा हूं कि उनकी संपत्ति क्या है भाई जो छीन के आप दें? संपत्ति तो 40-50 परिवारों में, नरेंद्र मोदी की प्रॉब्लम अगर उनको खुद ही सोचना चाहिए, जनता तो इसमें थोड़ी बहुत सब हम लोग बता रहे हैं कि भाई शायद कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी ने उल्टा बोला हाँ मैं अडानी की संपत्ति छीन कर बांटूंगा लोगों में, अब अंबानी की संपत्ति को छीन कर लोगों में बांटा जाएगा, वो जो 100 परिवार हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की 80% संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि उससे छीन कर लोगों में बांटा जाएगा तो राहुल गांधी को 1000 सलूट है, ऐसी कांग्रेस को 1000 सलूट है, ऐसी इंडिया एलायंस को 1000 सलूट है। आप चंदा लेके तो आप अपना भारतीय जनता पार्टी का जीवन चलाते हैं, इनको जीवन में यही दिखाई पड़ता है। वो ये बोलते हैं मैंने भीख मांगी, मैंने ये, मेरी माँ बर्तन मांगती थी, अब उस संस्कार से तो बाहर आइए, 8,000 करोड़ के विमान में चल रहे हो, हमारे पैसे से चल रहे हो भाई, आप जो है 14 करोड़ की जो है मर्सिडीज खरीदते हो 8-8 इकट्ठे, वो हमारे पैसे ही, उस पर चल रहे हो। अभी आप वही बता रहे हो कि आपने जो है ये किया, आपने मेरी माँ ने बर्तन मांगे, मेरी माँ ने ये किया, तो ये आप इमोशन क्रिएट करते हो साथ में। अभिलाष जी जरा समझिए, अगर ज्यादा बच्चे होने से वाकई में समस्या है प्रधानमंत्री को या उनकी पार्टी को, तो जरा देखिए, याद करिए 2016 में भाजपा के ही मंत्री भी थे, नेता हैं गिरिराज सिंह बिहार से, उन्होंने 2016 में कहा था कि देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि सभी धर्मों के परिवारों को समान संख्या में बच्चों को अनुमति दी जानी चाहिए, मतलब हर धर्म, हिंदू सिख जितने भी धर्म इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, सभी धर्मों में समान रूप से या समान संख्या एक समान बच्चों को पैदा करने के अनुमति हो जानी चाहिए। आखिर 2016 में इन्हीं की सरकार थी, 2016 से भी जो है 8 साल हो गए, टोटल 10 साल मोदी सरकार को हो गए। अगर आपको वाकई में ज्यादा बच्चों से परेशानी है तो आप ये कानून लागू कर देते। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कांग्रेस के शासन में ही तो जो है वो नसबंदी योजना लाई गई थी, उसमें कुछ हुआ, जातियां भी हुई, जबरदस्ती हुई वगैरह, लेकिन वो लागू हुआ और जनसंख्या नियंत्रण हुई। चलिए उस समय संजय सिंह ने जैसे भी किया, उसमें साहस उठा, उसने एक जो है काम करके दिखाया, आज अप्रिशिएट किया जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण हो गई भारत में, वरना क्या हाल होता। लेकिन इनमें तो वो साहस भी नहीं है, इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं आप वो कानून लागू कर दो, किसने रोका हुआ है? ज्यादा बच्चों को लेकर रोना क्यों? मुझे याद है इमरजेंसी में कानपुर में था मैं, तो एक बहुत बड़े कवि होते हैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि थे, अभी उनकी डेथ हो गई, और वे हार्ड कोर आरएसएस और भाजपा के थे, और डॉक्टर थे, सर्जन थे, आई सर्जन थे, और बहुत अच्छे कवि भी थे, हास्य थे। तो मैं उनके साथ बहुत रहता था, मैं भी एमएससी में पढ़ रहा था, तो वो उनके भाई भी एनएसजी कॉलेज में टीचर थे, बड़े भाई, और अचानक स्कूटर उनके घर पे मोड़ दिया गया, और कहा चलो भैया क्या चाय पीते हैं, बैठे। तो उन्होंने बड़े दर्द से बोला था कि आप ऐसा करो, कहने तुम छोटे भाई हो, काम करो, कल भाभी कल ही जाके और ऑपरेशन करवा, और ये कह के वो चले, कहीं तनख्वाह नहीं मिल रही। तो आपने बात याद दिलाई तो मुझे ये घटना याद आ गई, तब ये आरएसएस ही थी,
उन्होंने बड़ी क्रिटिसिज्म भी किया था कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का, और हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। तो उस समय की मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों नहीं लेकिन उनका परिवार है कि इन्होंने नसबंदी की। आपको बताएं, इमरजेंसी के बाद जो सरकार गई है वो नसबंदी पर गई है, परसेंटेज बाद में देखा गया है तो नसबंदी को आरएसएस ने इतना हाईलाइट कर दिया कि जबरदस्ती ले, अभी भी आपने कहा ना जबरदस्ती ले जाके ऑपरेशन कराया, तो कानून का पालन करने के लिए बहुत सारी बातें यही होती है ना। आपने अरविंद केजरीवाल के साथ क्या बड़ा रसमलाई लेके आए थे, उनको भी आपने कानून के तहत ये जेल में डाला है ना। हेमंत सोरेन को भी कानून के तहत, आप जब कानून का पालन करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है। मैं उस समय की नसबंदी का, आपकी आप कर भी रहे हैं अपरोक्ष रूप, मैं उस समय की नसबंदी में जो भी हुआ था वो कुछ भी गलत नहीं हुआ था, हाँ कानून का पालन हुआ था, और उसका हाय तोबा आरएसएस ने जितना बनाया था उतना किसी ने नहीं बनाया था। तो इनका जो मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अंत में सेल्फ सेंटर, सिर्फ अपनी बात। आप बताइए क्या बात, अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बार बार चीजों को बताना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं बोलते हैं कि 750 किसानों में कितने हिंदू मरे कितने मुस्लिम मरे, बोलो ना भाई। आप नोटबंदी की लाइन में 200 मरे उसमें कितने हिंदू थे कितने मुसलमान। आप अगर बोल नहीं सकते तो आप इस देश के प्रधानमंत्री होने लायक नहीं है। उन लाशों के जिम्मेदार आप हैं जो स्मशान घाटों में बिना लकड़ियों के बगल से जल रही लाशों से लकड़ियां निकाल के एक नई लाश में, बोलिए नई लाश कहना पड़ रहा है, वो लगाकर उन्हें जलाया गया। 2 लाख मेरे मित्र बसी, उन्होंने 2 लाख सर वो बोल रहे हैं 2 लाशों के बीच में रख के जला दो, थोड़ी लकड़ी उधर से ले लो थोड़ी लकड़ी उधर से ले लो। आप अगर असली हिंदू की औलादे हो प्रधानमंत्री जी, आपका अगर असली हिंदुत्व जीवित है, आपका खानदान अगर हिंदुत्व पर जिया है कभी, तो इस बात के लिए जीवन भर मुंह छुपा के जियो कि हमारे बुजुर्गों की लाशें हमारे बच्चों की लाशें बिना रिचुअल्स के बिना वेद मंत्रों के बिना गंगा जल छिड़के आस पास बिना घूमे जला दी गई। इस देश का हिंदुत्व तो आपको हमेशा इस बात के लिए थू थू करेगा कि आपने हमारी जो चार करीब 50 लाख WHO बोलता है 50 लाख लाशें कोरोना में बिना रिचुअल्स के बिना संस्कार, अंतिम संस्कार होता है वही अंतिम संस्कार होता, वो बिना अंतिम संस्कार के जलने दी। मीडिया आपके पापा का है, मीडिया आपका चमचा है, मीडिया आपसे पैसे घूस में लेता है, मीडिया आपसे विज्ञापन के बहाने पैसा लेता है, चाहे वो अरुण पुरी हो चाहे वो रजत शर्मा हो और बाकी तो अडानी अंबानी के चैनल है। देखिए अडानी अंबानी के चैनल पैसे लेते हैं इसलिए नहीं बोलते। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहे तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करो कि कोरोना में कितने हिंदुओं को मरने दिया, और आपने उस देखिए ये बहुत जरूरी बात है, अगर वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो असली हिंदू मुस्लिम ये है कि आपने जो कोविशील्ड दी, मेरे भी 2 कोविशील्ड लगी है। आपको बताऊं मैं तो तब से बड़ा चिंतित हूँ कि मेरी डायबिटीज फ्लक्चुएट होती है, मुझे भी इंसुलिन लेनी पड़ती है कभी, इसके पहले कोरोना के पहले नहीं लेनी पड़ती थी, मैं आराम से वॉक करता था, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं पर्सनल प्रॉब्लम मीडिया में नहीं कह। तो आप बताओ कि कोविशील्ड का पैसा लेके जो आपने सीरम इंस्टीट्यूट को जो ऑर्डर दिया है 52 करोड़ उसके बाद पैसा लेके, उसमें आपने हमारे बच्चों बुजुर्गों की जान की चिंता क्यों नहीं की। आपने हिंदुओं को, मैंने तो देखा मुस्लिम लोगों ने तो इसको ही नहीं लगवाया, अखिलेश यादव हिंदू उन्होंने भी नहीं लगाया, लेकिन मेरी बिटिया डॉक्टर है वो तो लगाने ही लगा। अभिलाष जी देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि प्रथम 2 चरण के चुनाव के बाद और उसके पहले भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, मैं आपको कुछ बयान भाजपा उनके नेताओं के आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्षों का सपना पूरा हुआ, RJD और कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बने इसके लिए पूरी ताकत लगाई। बहुत क्लियर है राम मंदिर की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच पोलराइजेशन का संकेत है। फिर आप देखिए 3 अप्रैल को अमित शाह ने मुजफ्फरनगर की रैली में कहा, ये केंद्रीय राज्य मंत्री थे डॉक्टर संजीव बालियान,
उनके समर्थन में रही थी, वहां उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। अगेन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुल्लम खुल्ला यहां तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या भाजपा का प्रमुख अस्त्र होगा। हेमा मालिनी की विजय संकल्प नामांकन रैली में मथुरा पहुंचे योगी ने अयोध्या और काशी का काम हो गया, मथुरा की बारी है, ये योगी जी का बयान था। इसी तरह लखनऊ की चुनावी सभा में योगी ने कहा कि देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस शरिया कानून लागू करना चाहती है। अब देखिए सोचने की बात है कि शरिया कानून जो मुस्लिम देश है वहां भी लागू नहीं है, लेकिन आप चुनाव में लाभ लेने के लिए आप कुछ भी अनशन जो है बयान दे देते हो। यहाँ चुनाव में जो है शरिया कानून कांग्रेस लागू कर देगी। आप अभी 10 साल से हो, कांग्रेस उसके पहले जो है 55-60 साल से है, कितनी बार शरिया कानून लागू कर दिया कांग्रेस इस देश पर? और क्या ये मतलब स्वाभाविक है, आपको लगता है कि कोई शरिया कानून इस तरह लागू हो सकता है? तो कुल मिला के मैंने ये इसलिए बयान जो है यहाँ पे रिकॉल किए कि इस तरह के बयानों से पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। अब योगी आदित्यनाथ का एक बयान और देखिए, ये मुंबई के पालघर में, ये 13 अप्रैल इसी साल 13 अप्रैल को मुंबई की एक रैली थी, वर्धा में थी रैली, वहां उन्होंने पालघर की घटना का जिक्र कर दिया। पालघर में जो 2021 में दो साधुओं, कुल 3 लोगों की हत्या हुई थी, भीड़ ने उनको जो है लिंचिंग की, वो मॉब लिंचिंग की, उसमें 2 साधु भी थे, उसको क्या कलर दिया गया? हिंदू मुस्लिम का कलर दे दिया गया। जबकि फैक्ट ये निकल के आया कि जिस गांव में घटना हुई वहां पर मुस्लिम रहते नहीं। आप महाराष्ट्र में मुंबई में हैं, आपको पता होगा उस गांव में मुस्लिम ही नहीं। बाद में पता लगा उस समय उद्धव ठाकरे जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम कलर देने के ये सांप्रदायिकता का इशू नहीं है। लेकिन भाई लोगों ने या भाजपा के लोगों ने नहीं माना, उनको गेन हो रहा था, उन्होंने उसको कलर दिया। अब इतने मतलब चुनाव को आप देखिए कि कितना विशेष बनाया जा रहा है डे बाय डे। अगर सीटें उनको, मेरा कहना है कि विकास का मुद्दा जब आपका नहीं चल रहा है, आपको लगा कि वो जो है बोतरा साबित हो रहा है, जनता या तो उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है या जनता को दिख नहीं रहा है कि वाकई विकास हुआ है, तो आपने सोचा कि ये एक ऐसा इमोशनल इशू है जिसपे जनता बहुत क्लियर कट दो फाड़ होगी और एक वर्ग आपको बुरा बुरा देगा, इसलिए मैंने ये बात कही थी। नहीं, आपने ठीक कहा, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा बात, और हम लोग को उसके दोनों पक्ष देखने चाहिए। मेरा ड्राइवर है वो त्रिपाठी है, तो मैं जो है उसके अभी जब निकला था कुछ दिन पहले, वो टेलीफोन पे सब सुन, मैं कई अखबारों में संपादक वगैरह रहा, तो वो हमेशा मेरे साथ ही रहा कई वर्षों से, तो वो बौद्धिक रूप से थोड़ा अपने आप को प्रूफ लेवल पर जानता, उसे राजनीतिक समझ भी। उसने गाड़ी रोकी मेरिन लाइन पेट्रोल पंप पे, जो भी 20-25 लीटर पेट्रोल भराना था भराया गया। उसके बाद वो थोड़ा बहस करने कहने, क्योंकि हमसे, आप बड़ी ध्यान से देखिए, हमसे थोड़ी देर पहले एक मुस्लिम बुर्का पहने औरत थी, अब लड़का थी या लड़की, वो बैठी थी स्कूटर में पीछे, और एक मियाँ जी थे, वो स्कूटर में हमसे पहले पेट्रोल भरा के गए। तो ये जब हमारे में 20-25 पेट्रोल भरने लगा तो एकदम बाहर निकले, और उन्होंने कहा कितना बिल हुआ, तो जब बिल बताया उसने कहा कि ये जो अभी भरवा के गए पेट्रोल, इनको आपने कितने रुपए लीटर पेट्रोल दिया? तो कहने की 109 था शायद उस समय कुछ, तो 109 रुपए लीटर। तो कहने की तो उनको, मुसलमानों को आपने 109 रुपए लीटर, देखिए बड़ी चाइल्डिश बात लेकिन कितनी गंभीर है, आपने उनको 109 रुपए लीटर पेट्रोल दिया तो हमको आप 70 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिए। तो कहने क्यों भाई? कहने नरेंद्र मोदी जब वोट लेना होता है तो वो हिंदुओं से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदूवाद पर वोट दो, हिंदुत्व की बात करते हैं और हमसे वोट लेते हैं, लेकिन जब पेट्रोल देना होता है तो हमें उतने ही पे देते हैं जितने पे मुसलमान को देते हैं। हमको जब आटा खरीदना होता है तो, अरे देखिए, अब आप अगर इस बात से सांप्रदायिकता को नहीं जोड़ते हैं और नहीं जोड़ना चाहते हैं,
क्योंकि ये बड़ा मान्यूटली सूक्ष्म रूप से एक राक्षसीपन से लड़ना है हमको आपको। क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए? क्या कानून नहीं बनना चाहिए कि हिंदू लड़कियों के साथ, मैं नरेंद्र मोदी से बोलता हूँ कि हिंदू लड़कियों के साथ जो बलात्कार करे उसको 6 महीने के अंदर फांसी दो। बनाओ कानून, अगर बहुत हिंदुओं के पक्षधर हो, बहुत अलंबरदार हो हिंदुत्व के, तुम्हें वेद पुराण की मोदी जी अगर अक्ल है तो आप बनाओ कि हिंदुओं के घर में अगर डकैती बढ़े तो उनको बहुत जल्दी आप पकड़ के वो करेंगे। और ये शरीयत की बात मुझसे निकालते क्यों? मैं तो नई कानून की बात कह रहा हूँ कि साक्षी मणि को विनेश फोगट के साथ बलात्कार करने वाले को क्यों नहीं पोलियो से उड़ाते हैं? प्रदूषण शरण सिंह को ये कानून क्यों नहीं बनाते हो? हिंदू लोगों के नहीं है, देखिए पहले मेरी बात सुनिए कि हिंदू लड़कियों को बलात्कार करने वाले को शरीयत पे बात करने वालों को करनी चाहिए कि मेरी हिंदू बच्चियों में बलात्कार करेगा उसको कनाट प्लेस पे गोलियों से मारेंगे। तुम बात करो जी, इसके पहले के शो में वाराणसी की घटना का जिक्र हुआ था, किया गया था। अब देखिए पाल घर की घटना का जिक्र रखते हुए ही योगी जी ने एक बात और कही कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना होती तो उल्टा लगता दिया होता हमने। अब देखिए कहने को वो कह गए लेकिन सच्चाई ये है उस समय के अखबारों में भी छपी कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा साधुओं की हत्या हुई है। अब वो या तो किसी भी कारण से हुई हो, उसके कई कारण है, उसमें नशे के लिए भी हो जाती है, साधुओं के पास बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कब्जे को लेकर भी हत्या हो जाती है, कुछ हत्याएं संदिग्ध अभी भी हैं, पता ही नहीं चला कितनों को लटका दिया गया है योगी जी ने। लेकिन आप बाहर जाके जो है पोलराइज करने के लिए, उसको एटमॉस्फेयर को जो है वो टॉक्सिक बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैंने ये बयान कम से कम कांग्रेस की तरफ से नहीं सुने ऐसे। हाँ एक बात मैं कहूंगा, अभी सलमान खुर्शीद की भतीजी है मारिया, उन्होंने एक जो है वोट जिहाद टर्म यूज किया उत्तर प्रदेश के एक रैली में, वोट जिहाद। अब उसपे उस पर जो है चुनाव आयोग ने FIR करवा दी। लेकिन ये इतने मैंने बयान जो गिनाए हैं ये भी सेम नेचर के लग रहे हैं मुझे। मैंने अभी तक नहीं सुना जो है कि किसी पर कोई FIR हुई हो। जिस मोदी जी के बयान की मैं राजस्थान में कि ज्यादा बच्चों में लौट दी जाएगी उसको लेकर भाजपा को जो है टाइम दे दिया गया हो। अरे आप कार्रवाई कब करोगे? अगर उनको चुनाव प्रचार से रोकना है आप उनको टाइम टू टाइम दियोगे, एक हफ्ते का टाइम और दिया, तीसरे चरण का भी जो है मतदान हो जाएगा, उसके बाद 4 करोड़ वोट बचेंगे तो क्या कार्रवाई होगी इसके बाद? तो ये बात है यहाँ पर खैर अविनाश जी मुझे लग रहा है समय ज्यादा हो गया है, अंतिम बात मैं बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग इसका जिक्र होना चाहिए, जो वोट जिहाद और ये सब बातों का हम लोग को भी जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा करो और हम वैसा करने लगते हैं। हमें तो जिक्र करना चाहिए कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो एंथम है, उनका जो सॉन्ग है, उनका जो वोट चुनावी सॉन्ग है, उसमें एक बार जय भवानी आ रहा है। चुनाव आयोग ने बोला जय भवानी हटाओ, वाह वाह वाह, आपको सलमान खुर्शीद की बिटिया से प्रॉब्लम है, भतीजी से प्रॉब्लम है, और ये चुनाव आयोग राजीव कुमार कैसा घटिया चुनाव आयोग के साथ में दो पखलू उसके लगाए, एक सरदार वो कुछ है ना, इन सबको आगे चल के इनका हाल क्या होने वाला है ये उनको पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये मत सोचो नरेंद्र मोदी हमेशा रहेंगे, जब जाएंगे तो EDCD और ये इन लोगों के अधिकारियों को समझ जाना चाहिए। तो आपने जय भवानी को हटाया, ये नरेंद्र मोदी के कहने से हटा, तो नरेंद्र मोदी जय भवानी नहीं सुनना चाहते हैं, जय शिवाजी नहीं सुनना चाहते हैं, आप मध्य प्रदेश यहाँ महाराष्ट्र में आके 2 साधु को लेके आते, अरे आपके यहाँ तो सिर्फ हिंदुओं की हत्या हो रही है। आप ये जो बोल रहे हैं, ये योगी जी बोल रहे हैं, ये बड़े अनजान नहीं है, उनकी भी राजनीतिक हत्याचार भी उनके पहले होने वाली और वो नरेंद्र मोदी करेंगे। आप हिंदू ठाकुर हैं और वो हिंदू हैं नरेंद्र मोदी, एक हिंदू आपकी हत्या राजनीतिक हत्या करने जा रहा है, यहाँ आपको कहीं नहीं दिखता हिंदुत्व। आप शरीयत पे बात करो ना,
आपका आपको जब मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तब शरीयत पे आप बात करोगे कि आप बात करोगे मोहन भागवत से मुझे बना के रखो, मनोज सिन्हा को बनाया गया था मुख्यमंत्री तब आप हाथ जोड़ रहे थे मोहन भागवत से कि हमें बनाओ, अब जब आप बन गए और आपको जब हटाया जा रहा है तो आप मार्क्स चाहते हो, आप नंबर चाहते हो। उत्तर प्रदेश में हो जाता तो क्या हो जाता? उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है तो आप चुप रहते हो। आपने क्यों नहीं तो चिन्मयानंद को फांसी दी उस समय? आपने उसका केस भी वापस ले लिया। कुलदीप सिंगर पे डेढ़ हिंदू लड़की से बलात्कार, मैं बार बार बोलूंगा। और सुबोध सिंह है जो हिंदू इंस्पेक्टर था उसको जनता ने मारा, वो भी तो हिंदू था। आपका जो गोरखपुर है आपका क्षेत्र, वहां पर कानपुर के एक गुप्ता व्यापारी थे उनको जाके जो है पुलिस ने पीट पीट के इतना पीटा कि मर गया। वो भी गुप्ता भी हिंदू होते हैं कि वो भी नहीं थे? उनका शरीयत से कुछ लेना देना था? जिनका शरीयत से लेना देना नहीं है महोदय योगी जी, आपने उनको भी मारा है। और एक बात और सुन लीजिए कि आपकी भी राजनीतिक हत्या 4 जून के पहले हो रही है। अकल लगाओ थोड़ा, नरेंद्र मोदी के झांसे में मत पड़ो। वो रघुकुल रीत सदा चलाई जो चल रहा है, आप जरा ध्यान दो। आपको बड़े जायंट को हटाना होता है। जब जब सामने युद्ध होता है तो आपका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है पहले उठाइए। तो आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी योगी जी, ये शरीयत फरियत अब आपकी नहीं चलनी है। अगुआ भगवा लेके आपका कुछ नहीं होगा। आपसे बड़े हिंदू हम हैं। नहीं बहुत है मेरे पास आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।